नमस्कार, बीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल और प्रस्तुत है आज के समाचार। राज्य में इसी सत्र में नए 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में जुटे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा को थोड़ी राहत मिली है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कश्मीर संभाग के बारामूला और अनंतनाग मेडिकल कॉलेजों को तो इसी सत्र में खोलने की मंजूरी दे दी है, परंतु जम्मू संभाग के राजौरी, कठुआ और डोडा मेडिकल कॉलेजों पर अभी कुछ भी फैसला नहीं हुआ है। अगले सप्ताह पर भी इन पर फैसला होने की उम्मीद है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बारामूला और अनंतनाग मेडिकल कॉलेजों को इसी सत्र में MBBS की 100-100 सीटों पर पढ़ाई शुरू करने की इजाजत दे दी है। अगले सप्ताह इसका औपचारिक तौर पर मंजूरी पत्र भी आ जाएगा। MCI ने इस दौरान दोनों कॉलेजों को फैकल्टी की कमी को पूरा करने के अलावा अन्य आधारभूत ढांचा भी पूरा करने को कहा है। टीम जिला ग्रामीण युवा कल्याण संघ ने अपने अध्यक्ष फरीद अहमद नाई की अध्यक्षता में आज शौशरिक गेत्र गुदना क्षेत्र के सरकारी हाई स्कूल टेटना का दौरा किया। फरीद अहमद नाईक ने कहा कि नवगठित हाई स्कूल टाटना जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये स्कूल जिला डोडा के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य सरकारी स्कूलों की तरह मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। बच्चों के पास सुबह की सभा के लिए खेल का मैदान भी नहीं है। सुबह की मॉर्निंग असेंबली को करने के लिए छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए इन्हें खेतों में मॉर्निंग असेंबली करनी पड़ रही है। फरीद अहमद नाईक ने कहा कि इसका आकलन किया जा सकता है कि बच्चे वहां क्या अध्ययन करेंगे। ब्लॉक मीरा साहिब के अधीन आती पंचायतों के पंचों की एक बैठक आज मीरा साहिब क्षेत्र में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। वहीं पंच करमजीत सिंह ने बताया कि उनकी अगली बैठक 2 जून को आयोजित होगी, जिसमें पंच एसोसिएशन मीरा साहिब का गठन भी किया जाएगा। 2 जून एतवार को रखी गई है, उसमें जो पंच नहीं पहुंच सके हम उनको अपील करते हैं वो भी आए, अपनी समस्या अपनी राय दें और अपनी एसोसिएशन बनाए। जो किसी भी पंचायत का कोई काम हो, किसी वजह से कोई अच्छा रुकता हो, वो हम सब इकट्ठे होके उसका मसला हल करेंगे। आज की मीटिंग हमारी का सबसे बड़ा ये मुद्दा था जो पंच हमें कोई किसी सरपंच के खिलाफ। राज्य जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों में बिल्कुल कम वेतन हासिल करने वाले कर्मचारियों ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर से मांग की है कि इनकी हर माह की तनख्वाह को लगभग एक मजदूर की दिहाड़ी के बराबर 300 रुपए दिन रखी जाए, जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके और परिवार के खर्चों को भी चला सके। इसी तरह की परेशानियों के बारे में चिनाब रीजन के जिला रामबन डोडा किश्तवाड़ में स्कूल में काम कर रहे कुक वाटरमैन कम स्वीपर ने प्रशासन खासकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मांग की है कि इन्हें नौकरी में पक्का किया जाए। ये होता है 30,000, 35,000, 40,000, 60,000 तक। हमें सिर्फ 1,000 रुपये देते हैं, 33 रुपये दिन लेते हैं, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से समस्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि फरियाद कर रहे हैं कि आप सदर साहब से कि हमारा भी कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, हमारा भी दिन चला जाता है हमारे। उसके बाद जब भी हम 10 बजे सामा जिले के गोरान बाबा शिवो जी के एक दरबार में लगी भक्तों की भीड़, 700 साल पुरानी मंदिर जहां हर एक मनोकामना पूरी होती है, बाहर से श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन करने आते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा जी के दरबार हजारों के तादाद में लोग आते हैं, परंतु यहां पर किसी भी प्रकार की सुविधा देखने को नहीं मिलती। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा LOC के पास पाकिस्तान सेना ने संघर्ष विराम का एक बार फिर से उल्लंघन किया है। रविवार को छोटे हथियारों से गोलीबारी की, जिसमें एक किशोर घायल हो गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेस, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराज जम्मू, Trends Toys, visit for all kinds of toys for all age group, Sanjay Nagar, Jammu. हाल ही में लाइसेंस TEDX राजेंद्र पार्क ने जम्मू क्लब जम्मू में आज कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि TEDX पर था। ये शिवानी वैद द्वारा www.ted.com के लाइसेंस के तहत आयोजित किया गया था, जो विभिन्न विचारों के लिए आकर्षण वक्ताओं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए एक मंच प्रदान किया था। साथ ही अपनी सफलता की कहानियों को साझा किया और नए मनोरम विचारों को सामने रखा। नागरिक समाज विशेषकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। खेल जगत में नई बुलंदियों को हासिल करने की दिशा में नरेंद्र मोदी की खेल परिवर्तक के रूप में खेल रही पहल को जम्मू के पूर्व मंत्री
चंद्र प्रकाश गंगा ने आज युवाओं को खेल के प्रति समर्पित करने और दुनिया भर में एक खिलाड़ी के रूप में अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। गंगा ने शहीद जगदेव सिंह की स्मृति में आयोजित गो मनास में जय बाबा सिद्ध गोरिया क्रिकेट टूर्नामेंट के वैदिक समारोह में बोलते हुए कहा कि खेल युवाओं के प्रति जीवन में एक केंद्र स्थान रखते हैं जो उनके समग्र व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने वोटों के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिया और मीडिया को भी धन्यवाद दिया। जीरो टॉलरेंस था आतंकवाद के प्रति। जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई अन्य भाग हो, जहां देश के दुश्मन ताकतों ने सर उठाने की कोशिश की, हमारे जो बहादुर जवान है उन्होंने। श्रीनगर में रविवार सुबह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद कुछ इलाकों में फिर से कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाई गई। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग को पंजाब में वाघा सीमा की तर्ज पर यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सुचेतगढ़ के विकास के लिए पूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR के साथ आने के लिए कहा गया। जिला प्रशासन राजौरी ने आज बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से नदारद रहने के लिए उपजिला अस्पताल नौशहरा के 4 डॉक्टरों के वेतन को रोक दिया है। उपायुक्त मोहम्मद एजाज असद ने नौशहरा में SDH और कई सरकारी कार्यालयों के औचक निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों को अनुपस्थित पाया। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू यूनिसेक्स फिटनेस क्लब और 98.3 मेची जम्मू के मुबारक मंडी में एक थीम के साथ महिलाओं के लिए एक मजेदार रन का आयोजन किया जो कि मुबारक मंडी से शुरू होकर सिद्रा गोल्फ क्लब में जाकर संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस साल भी मिंदल यात्रा 1 जून से 6 जून तक चलेगी। इसकी जानकारी आदि शक्ति देवी चंडिका सेवक संस्था डोडा ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को दी। जो माँ चंडी का मूल स्थान है, ये मिंदल यात्रा हर साल 1 से 6 जून को जाती है। ये माँ चंडी का स्थान गांव बलासू से हर साल माँ के दरबार में जाती है, आदि शक्ति देवी चंडी का सेवक स्थान। राज्यपाल के सलाहकार KK शर्मा ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुचेतगढ़ में बाघा बॉर्डर की तर्ज पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने सीमा सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान पर्यटन की संभावना पर मंथन किया गया। स्टेट बैंक की सांभा शाखा के 3 उपभोक्ताओं के बैंक खातों से ATM के जरिए 1,90,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। ये रुपए दिल्ली व मुंबई के ATM से निकाले गए हैं। उपभोक्ताओं ने बैंक प्रबंधक को अवगत कराने के साथ ही पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई। ASN हायर सेकेंडरी स्कूल ने आज बोर्ड में मेरिट होल्डर्स के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। इस मौके पर विनय शर्मा JKPS, संदीप मेहता JKPS, नरेश शर्मा ज्वाइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन मुख्य रूप से उपस्थित थे। महानिदेशक पुलिस JNK दिलबाग सिंह ने आज रामन मोहरे और रियासी में गोल का दौरा किया। DGP के साथ IGP विजय कुमार थे। इन संस्थानों पर संबंधित जिले के SSP और अन्य क्षेत्र अधिकारियों द्वारा DGP को प्राप्त किया गया। उनके स्वागत पर उन्हें गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर राज्य में अगली सरकार बनाएगी, क्योंकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि पार्टी ने जम्मू और कश्मीर राज्य में इन संसद चुनावों में एक साथ सभी अन्य दलों की तुलना में अधिक वोट हासिल किए हैं। कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि जबकि उन्होंने भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, उरी, पहलगाम, गांधरबल, श्रीनगर, सोनमर्ग और दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में 2 से 3 बजे के दौरान बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें जारी रहीं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बाकी पूरे राज्य में 1 जून तक मुख्य रूप से मौसम खुश्क रहेगा। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए PP न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।